भगवान शिव और शिवरात्रि कल आने वाला वह व्रत है, पर्व है। शिव माना कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप। शिव के दो स्वरूप, एक निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण साकार। एक अधिष्ठान स्वरूप अव्यक्त, सर्व का आधार, सर्व का आत्मा, और दूसरा माया विशिष्ट चैतन्य। शिवरात्रि में पूजा, वर्ष भर के पूजा पाठ से जो लाभ होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करके, मौन धारण करके भगवान शिव की पूजा अगर मंदिर में करने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ भी अनुकूल पड़े वहाँ पूजा करने से वर्ष भर के पुण्य कर्म करने का लाभ होता है। अंबाला जिले के गांव में, अंबाला जिले का गांव भोवा गांव में एक नंबरदार रहता था। उन इलाकों में बारह मास बहने वाली नदियां नहीं है ज्यादा, बरसाती नदी। नंबरदार बरसात नहीं थी तब अपने रिश्तेदारों के गांव गया, लेकिन जब लौटा तो बरसाती नदी पूर जोर से बह रही थी। वो चिंतित हुआ, मैं अपने गांव कैसे पहुंचूंगा। उसके माता पिता ने शिव भक्ति उसे सुना रखी थी, और भगवान का भक्त अभक्तों की अपेक्षा धैर्यवान होता है, हिम्मतवान होता है, और उपाय खोजने के लिए शांत होने की उसकी आदत होती है। अंबाला जिले के भोवा गांव का वो नंबरदार शांत हो गया, प्रभु मैं क्या करूं, जाना जरूर है, और रात को इस बयाबान में बरसात में मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्या करूं। शांत हुआ और मन में जो शुभ संकल्प होता है उस शुभ संकल्प के साथ जो जप आदि होता है, तो जप आदि के साथ जो आकृति का प्राकृतिक संबंध है, मनोवैज्ञानिक संबंध है, उस सिद्धांत के अनुसार जो अभी विज्ञानी बता रहे हैं, वो हमारे भक्तों के जीवन में, ऋषि मुनियों के जीवन में हजारों वर्ष पहले कई ऐसी चमत्कारी घटना घटी। उसने देखा कि एक कोई महात्मा आ गया है, बोले बच्चा उस पार जाना चाहता है, ये तो बरसाती नदी है, बड़ी तेज से बह रही है, चिंता ना कर। उस महात्मा ने उसके दोनों हाथों में शिव शब्द लिखा, एक हाथ पर शिव, दूसरे हाथ पर वर। बोले इन दोनों हाथों को सामने देखता सा चला जा, तू फिक्र मत कर, मानो वो धरती पर ही जा रहा है। सोचा के ये शिव शब्द तो मैं रोज बोलता हूँ, रोज जपता हूँ, मेरे माँ बाप ने भी बताया, तो इस हाथों पर शिव लिखने की क्या, ये सब क्या है। जो संशय हुआ त्यों वो गोते खाने लगा। महात्मा ने कहा, रे वो शिव जो रोज बोलता वो अलग बात है, अब तो इसी शिव को देखे चला जा, नहीं तो डूबेगा। उसकी श्रद्धा जो लड़खड़ा रही थी तो वो स्वयं लड़खड़ा रहा था, श्रद्धा फिर स्थित हो गई, और वो स्थित होकर किनारे लग गया। प्रसंग आता है कि भगवान शिव अपने शिव स्वरूप में, अपने अव्यक्त स्वरूप में, क्षेत्रे तिष्ठति सर्व जगत यस्मिन स शिव शंभु विकार रहिता हो। वो विकार रहित अपने स्वरूप में निमग्न रहने वाले शिव जी को न पहचानने के कारण दक्ष ने उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। कथा ऐसी है
कि सभा में दक्ष प्रजापति आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अब विष्णु जी न उठे तो कोई बात नहीं, आदि नारायण है और ब्रह्मा जी तो हमारे पितामह है, लेकिन शिव इसको तो मैंने कन्या दी है ब्रह्मा जी के कहने से, और ये बेटे के बराबर है, मेरे चेले के बराबर है, और मैं सभा में आया और ये उठता नहीं, क्या समझता अपने को। दक्ष व्यवहार में तो दक्ष था, कुशल था, लोकपालों का अग्रगणी बन गया था, लेकिन व्यवहार में कुशलता ही सर्वस्व नहीं है, परमार्थ की यात्रा भी इतनी ही जरूरी है। प्राकृतिक रिसर्च करके परदेश के लोग व्यवहार में इतने तो भोगों के साधन को जुटाने में सफल हुए कि कोई भी नया आविष्कार प्राकृतिक होता है तो समझते हैं कि इधर ही से आया, लेकिन उनकी एक तरफ ही दौड़ जो है व्यवहार में दक्षता प्राकृतिक चीजों का उपभोग करने की, उन्हीं के अशांति का कारण बन गई। हर 30 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है, हर 30 मिनट में एक आदमी पागल बनता है, हर 20 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है। बाह्य व्यवहारिक चीजों की तो सुविधा है, लेकिन परमार्थ में पाश्चात्य जगत ध्यान नहीं दिया तो बहुत बुरी दशा है। इंद्रियों के साथ जुड़कर सुखी होने की जो आदत है, जो जो इंद्रियगत सुख लेगा प्राकृतिक चीजों का सुख लेगा, त्यों त्यों मन चंचल होता जाएगा, और जो जो मन चंचल फास्ट होता जाएगा त्यों बदलाहट चाहेगा। फैशन बदलते हैं, कारें बदलते हैं, कारों के रंग बदलाहट करते हैं। कुछ समय पहले टोपा पहनते थे तो आगे की तरफ छाया करने वाला हिस्सा था, अब फैशन बदला पीछे की तरफ कर देते, उल्टा पहनते। कुछ न कुछ बदलाव चाहिए और वो फैशन इधर भी आ रहा है। पहले जो लड़कियां पहनती थी डिजाइन वाले कुर्ते फ्राक फ्राक, आजकल बुशर्ट उसी डिजाइन के पहनने लग गए। फैशन बदलो, गाड़ी बदलो, कारपेट बदलो, कलर बदलो, हफ्ता में एक दो दिन अपना घर छोड़कर जाकर कहीं रहो, घर बदलो, ऑफिस बदलो, दोस्त बदलो, मित्र बदलो, यहां तक कि औरतें बदलने की नौबत पे आ गए हैं। क्लबों में जाते हो औरतें बदलते, बहुत सारी औरतें और बहुत सारे आदमी आपस में नाचते हैं, और फिर सब अपनी अपनी चाबियां रख देते हैं, और जिसकी चाबी जिसके हाथ लगी उसकी औरत उसके हाथ, अपनी औरतें बदलते। ऐसी घृणित दशा में जाने के बाद भी सुख तो नहीं, माधुर्य तो जीवन में नहीं आया। तो व्यवहार में दक्ष होने के साथ साथ परमार्थ में भी प्रगति करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर परमार्थ में प्रगति नहीं है तो व्यवहार का बोझा लेकर एक पशु की नाई दब मरेगा मानवीय मन। दक्ष उसी हवा में उड़ रहा था, शिव जी को खरी खोटी सुना दी। शिव जी तो आशुतोष है, समझते हैं कि मन इंद्रियों में जीने वाला जीव है, शिव अपने स्वरूप में, लेकिन शिव के गणों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सुना दी। आपस में शापाशापी हुई, जो शिव भक्त हैं वो भ्रष्ट हो जाए, भांग पीने वाले, धतूरे खाने वाले, फलाना करने वाले, जो अकर्ता अभोक्ता है उस शिव को आकृति विशेष में देखते, शिव के व्यापक स्वरूप को नहीं देखने के कारण दक्ष ने कुछ का कुछ शिवजी पर आरोप लगाते हुए बकवास किया। शिव भक्तों ने दक्ष के गणों के प्रति, पूषा और भृगु आदि ने दक्ष का पक्ष लिया, शिव भक्त भ्रष्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने श्राप दिया विष्णु भक्त भ्रष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मण जिस किसी का खाने लग जाएंगे वो ये हो जाएगा। शिव जी उठकर चल दिए, अर्थात वॉकआउट कर गए। जहां ज्यादा खटपट है तो फिर अपने को खटपट का खिलौना क्यों बनाना, चलो भाई वॉकआउट। आजकल करते हैं ना पार्लियामेंट में वॉकआउट। शिव जी चले गए,
लेकिन शिव जी ने ये बात पार्वती जी को नहीं कही। दुख है तो पैरों तले कुचल दो, सुख है तो बांट दो। दुख की बात दूसरी जगह दोहराने से दुख फैलता है, दुख बढ़ता है। लेकिन दक्ष के अंतःकरण में प्रतिशोध बना रहा और एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और देवताओं के लिए तो स्थान, लेकिन महादेव के लिए उन्होंने यज्ञ में भाग न मिले और स्थान भी नहीं है। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर यज्ञ किया, ऐसी कथा थी भागवत। देवता लोग विमान से जा रहे थे, पार्वती ने पूछा ये कहाँ जा रहे, बोले तेरे पिता यज्ञ कर रहे वहां सब जा रहे तो हम भी जाएंगे। आमंत्रण नहीं आया है, बोले पिता के घर, गुरु के घर और अपने पति के घर, आमंत्रण मिले चाहे ना मिले जाना चाहिए। बोले आमंत्रण भूलकर गलती से देना भूल गए हैं तो ठीक, लेकिन जानबूझ के अगर नहीं दिए हैं तो पिता के घर तो नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर की तो बात अलग है। अब यहां सती का और शिव जी का आपस में वैमनस्य हुआ। सती कहती मैं तो जाऊंगी, शिव जी कहते हैं जाना उचित नहीं है, लेकिन पार्वती कहती मैं जाऊंगी। शंकर जी का तेरी मर्जी, पार्वती गई। और पार्वती जब जाने को तैयार हुई तो शक्ति शिव के साथ जाती है तो शोभा पाती है, अर्थात शक्ति ज्ञान के साथ यात्रा करती है तो शुभ यात्रा होती है। और अकेली शक्ति तो इस्लाम खतरे में, काटा काटी, धर्म खतरे में, मारा मारी, अकेली शक्ति। शक्ति ज्ञान संयुक्त चले तो शोभा पाती। ऋषभ पर पार्वती विराजमान हुई और पार्वती के जो अनुचर थे, सेवक थे, बाजा लाए, तुरी लाए, पार्वती को संगीत का और साज बजाने का शौक था। और कई कई जगहों पर शिवजी की पूजा के लिए भी कहा गया कि शिवजी की पूजा भी साज ताल से करनी चाहिए, मंत्र साज ताल सहित शिव पूजन करना चाहिए। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की उपासना में साज ताल का इनकार नहीं है। हमारे चार वेद है, चार उपवेद है और उपवेद में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। पार्वती गई दक्ष के यज्ञ में, मां में कहने तो जरा आव भगत की, लेकिन दक्ष ने सामने देखा तक नहीं। पार्वती ने देखा मेरे शंभ सदाशिव के लिए स्थान है, आओ पार्वती बिगड़ी। दक्ष को लक्ष्य करके दक्ष को सुनाने लगी कि शिव दो शब्द मात्र है, उस पवित्र शब्दों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के पाप ताप निवृत्त हो जाते, और ऐसे मेरे शिव जी के लिए तुमने यज्ञ में भाग नहीं रखा और उनके लिए स्थान नहीं रखा। तुम कर्मों में तो दक्ष हो, लेकिन तात्विक जगत में तुम्हारी इतनी पहुंच नहीं और तुम प्रतिशोध की भावना से शुभ कर्म करते। कितना भी बढ़िया कर्म हो लेकिन प्रतिशोध की भावना से किया जाता है, किसी को नीचा दिखाने के भाव से किया जाता है तो उसका फल शुद्ध नहीं होता है। आप जो काम करें उस काम में प्रतिशोध अथवा किसी को नीचा न दिखाने की भावना करें, अपितु सबके मंगल की भावना करें, तो छोटा सा काम भी आपका बहुत मंगलकारी परिणाम ले आएगा। और देखने में बड़ा काम हो लेकिन अंदर में भावना कुटिल है तो बड़ा काम भी परिणाम में दुख कलह उपद्रव ले आता है। पार्वती ने खरी खोटी सुनाई दक्ष को, मैं अगर जाऊंगी और मुझे शिवजी कहेंगे दाक्षायणी तो मैं उनको उनके आगे तो कैसे जी पाऊंगी। तुम्हारे शरीर के पिता के शरीर से मेरा जन्म हुआ है, ए मेरा तन अब रहने के काबिल नहीं। पार्वती ने अपनी योगाग्नि की धारणा करके वो तन वहां विलय किया। देवऋषि नारद घूमते घामते शिवलोक गए। नारद जी तो भगवत संकल्प है, भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा और भक्तों को भगवत रस आए ऐसी व्यवस्था उस भगवत संकल्प नारद जी से होती रहती। नारद जी पूछते हैं क्यों माँ दिखाई नहीं दे रही है,
बोले वो अपने पिता के यज्ञ में गई है। नारद जी कहते हैं गई है नहीं, गई थी। गई है मत कहो प्रभु, गई थी। और फिर नारद जी ने सुनाया कि ऐसा ऐसा उपद्रव हुआ और पार्वती ने अपना शरीर तक छोड़ दिया। आप तो शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड पारा, लेकिन इस आपकी माया में इतना सारा हो गया प्रभु, आपको पता नहीं। और पार्वती के साथ जो पार्वती के सेवक गए, आपके सेवक चमचागिरी करने गए, वो भी बुरी तरह मारपीट सह के आए, मार खा के आए, तो क्या आपको बताएंगे? वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। जीत के आए तो बताए, और पिटाई सह के आए तो क्या बताएंगे आपको? शिव जी ने नारद जी की बात विस्तार से सुनी तो शिव जी का थोड़ा सा फुरना मात्र, जैसे आदमी गुस्से में आता है ना तो बाल नोचता है, ऐसे शिव जी ने एक बाल नोच कर फेंका। वीरभद्र प्रकट हुआ, जाओ जरा देखो। इतना ही कहना था तो वीरभद्र के साथ वो मानो वीरभद्र आ रहा है कि एक प्रलय काल का तूफान आ रहा है। सब कांपने लगे, लोग ये कहने लगे कि दक्ष ने पार्वती का अनादर किया, शिव का अनादर किया, ये फल भुगतने की गलती तो दक्ष ने की और हम लोग सब फल भुगतेंगे। कुछ का कुछ कहने लगे। विस्तार सहित भागवत में कथा में तो थोड़ा सा संकेत मात्र करता हूं कि शिव शब्द जो कल्याण स्वरूप है, प्राणी मात्र का अधिष्ठान स्वरूप है। हम श्वास लेते हैं और कार्बन ऑक्साइड गैस फेंकते हैं, उसका शुद्धिकरण कौन कर रहा है? दिन रात हमारे शरीर से विषैले परमाणु निकल रहे हैं और उस विष को कौन बदलता है हमारे लिए? ओ व्यापक सच्चिदानंद चैतन्य तत्व। नदियां कचरा लेकर सागर में जाती और वो सागर धू धू चलते चलते उन सारे कीटाणुओं को, सारे कचरे को अपनी अपनी जगह पर सेट करके फिर उसी सेवा उसी जल से उभरता है, वो गंगा यमुना होकर पवित्र जल बहता है। ये जो पृथ्वी के जल के तेज के वायु के और आकाश के कण कण में रग रग में जो सत्ता काम कर रही है, वह शिव की अव्यक्त सत्ता, शिव का अव्यक्त स्वरूप है। और जब उस अव्यक्त सत्ता और अव्यक्त स्वरूप में कोई भक्त दृढ़ भावना करके साकार रूप लेकर पूजा आराधना करता है तो अव्यक्त में से व्यक्त होने में उस शिव को देर नहीं लगती है। जय राम जी की। तुलसीदास ने कहा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इमगाव ही वेदा। अगुण अरूप सगुण सो कैसे, जलत बिलग तरंग नहीं जैसे। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। बोले निर्गुण निराकार वो सगुण साकार कैसे हो गया? बोले जैसे जल से तरंग अलग नहीं होते और जल में ही जल के तरंग दिखते, ऐसे निर्गुण में ही सगुण प्रकट हो जाता। जिसमें सारा जगत शयन करता है और जो विकार रहित है, उसका नाम शिव है। रात्रि शब्द की व्याख्या आती रात्रि मतलब आरामदायिनी, सुखदायिनी, शांतिदायिनी अवस्था को रात्रि कहा। शिव स्वरूप में सुख देने वाली शिवरात्रि, और ये शिवरात्रि को महाशिवरात्रि नाम पड़ा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य महान होना चाहिए और उस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जो शिवरात्रि का दिन है बहुत सहायक है। इसलिए यह रात्रि महारात्रि, महाशिवरात्रि कहेंगे। सुबह कल उठोगे तो बिस्तर पर ही संकल्प कर लेना कि हे प्राणी मात्र के आधार, हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर, हे सगुण निर्गुण, हे भगवान शंभ सदाशिव, आज का दिन में उपवास और मौन धारण करके तुम्हारा चिंतन करते करते तुम्हारे स्वरूप में, जो मेरे आत्म रूप में तुम विराजमान हो, अधिक से अधिक विश्रांति पाऊं।
शिवरात्रि के एक दिन की मेरी पूजा वर्ष भर के पूजा का फल देने वाली हो। विष्णु या अन्य देवता का उपासक क्यों न हो, लेकिन जिसने शिवरात्रि का लाभ नहीं लिया उसको परम लाभ की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। मुझे परम लाभ की प्राप्ति करनी है। हे देव, हे महाकाल, हे काल के काल, इस काल चक्र से बचने के लिए हे महाकाल मैं तुम्हारी शरण आ रहा हूं। शिवम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि। आज का दिन मेरा महापूजा का दिन हो, ऐसा संकल्प करके बिस्तर छोड़ना चाहिए और दिन में नहा धोकर शिव पूजन करें, ध्यान करें, जप करें, मौन रहें। महाकाल के प्रागट्य की भी कथा आप लोगों ने तो सुनी हुई होगी। वेद प्रिय ब्राह्मण रहते थे अवंतिका नगरी में, जहां हम लोग बैठे हैं, उज्जैन जिसको बोलते। वेद प्रिय ब्राह्मण वेद के ज्ञान में बड़ी निष्ठा रखने वाला था। जहां तहां इंद्रियों के बहकाव में बहने वाला ब्राह्मण नहीं था। सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार और सात्विक चिंतन उसका उद्देश्य और स्वभाव बन गया था। वेद प्रिय ब्राह्मण के चार पुत्र थे, देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत। बाप ऐसा बेटा और वड़ ऐसा टेटा। संग का रंग, ब्लड के संस्कार, खून के संस्कार। बालक पर माता पिता के खून के संस्कार और माता पिता के मन के संस्कार का प्रभाव पड़ता है। दादा दादी का भी प्रभाव पड़ता है, नाना नानी का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले जब शादी विवाह करते, इसका बाप, इसका नाना, इसका ये पूछते थे। आजकल तो लवर ने लवरी को देखा, लवरी ने लवर को देखा, बस दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, गिरते ही रहते बेचारे। नारायण हरि, नो ताली। कल डांटा था ताली के लिए, फिर ताली। ताली बजाने के बड़े शौकीन हैं, मैं बजवाऊंगा लेकिन धीरज से, थोड़ी देर के बाद। भगवान के नाम की बजा लेना। नेताओं के लिए ताली चाहिए, नेता तो बैठे हैं, ये बोलेंगे तो बजा लेना। हमारे हिस्से की भी एमपी वेमपी सब बैठे हैं, भक्त साधक बन के बैठे। नेता तो धरती पर बहुत देखे, लेकिन साधक नेताओं को या भक्त नेताओं को देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। जय राम जी। अभी नेताओं के थोड़े बैठे, एमपीओ के नहीं बैठे, भगवान के भक्तों के बैठे, संतों के साधकों के बैठे। नारायण हरि, बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो बाबा। नारायण हरि, नारायण हरि। मैं एक दिल की बात आपको बता दूं, मेरी प्राइवेट बात है, बता दूं। उज्जैन समिति के भाइयों ने प्रोग्राम लेने के लिए बहुत सारे चक्कर खाए, और व्यस्त कार्यक्रम में से चार दिन निकालना मेरे लिए कठिन तो हो रहा था, आखिर निकालते। मैंने कहा मैदान मैदान में नहीं रखना, जहाँ तुम ये शांत वातावरण वहीं रखेंगे, कम से कम लोग आएंगे और सूक्ष्म ज्ञान ध्यान होगा, शिविर करते। बोले अच्छा बाप जी, शिविर करेंगे लेकिन प्रोग्राम दो। शिविर किया, अब शहर से इतना दूर है, एकांत में सोचा कि थोड़े लोग आएंगे, लेकिन कल ही पहले दिन ही बैंकुट छोटा पड़ गया। रात तो रात ये दूसरा पास वाला सड़क पर बैंकुट का आयोजन कर दिया, लेकिन आज वो भी फिट हो गया, कल क्या हाल होगा। और जो बाहर से शिविरार्थी आए हैं उनका भी अनुभव, मेरा भी अनुभव, इस अवंतिका नगरी का प्रभाव उस वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्रों का प्रभाव से तो अवंतिका चमकने लगी, लेकिन वो चमक अभी गई नहीं, अभी तक आध्यात्मिक चमक इस धरती से आ रही है। भगवान राम दंड का अरण्य में विराजमान थे। लखन भैया रात्रि को सेवा करते थे, चौकी करते थे, राउंड मारकर कुटीर के दरवाजे को देख के और प्रणाम करते के सरकार शयन करते।
ऐसा लक्ष्मण एक जगह पर गया और उसकी मति बदल गई। राम जी को बोलता है कि वनवास आपको मिला है, मेरे को नहीं। मैं इतनी सारी मेहनत करता हूं, मेरा हिस्सा और मेरा उजरा, मेरी मेहनत का फल लाओ। रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण की मति ऐसी विपरीत। रामचंद्र जी जान गए, बोले चलो सरोवर में स्नान कर लो, फिर मांगना। स्नान किया, लक्ष्मण प्रायश्चित से भर गया कि प्रभु ये क्या, मैं और आपकी सेवा मेरे को भाग्य से मिली और मैं कह रहा हूं कि मेरी सेवा का फल मेरे को, मेरा मेहनताना में मांग रहा था, ये मेरी दुर्मति कैसे हुई। राम जी कहते चल कोई बात नहीं, अब फिर उसी जगह पे आ जाओ। उसी जगह पे खड़े हुए तो लक्ष्मण बोलते चाहिए। राम कहते चलो फिर ना, फिर जरा उधर चलो। वहां आते तो बोले ये क्या हो गया। राम जी कहते अच्छा यहाँ की मिट्टी उठा दे थोड़ी, गठरी बांध, वैसे ही अपने को यहाँ से जाना है, गठरी बांधी, जहाँ ठहरा पड़ाव था वहाँ ठहरे, और मिट्टी खोलकर उस पर खड़ा कर देते तो लक्ष्मण की बुद्धि विकृत की। ये सब क्या है, घर ही में मेरे को ना बुलवाने का तुम क्या कर देते हो, मेरे को तो अधिकार चाहिए। अच्छा भैया जरा सा इधर आ जा, हाथ पैर धो ले, इस धरती पर खड़ा रहे। उस धरती पर लक्ष्मण खड़ा रहता है तो प्रायश्चित की आग से अपने दोष को तपाकर जलाकर भस्म कर देता है। लक्ष्मण कहता है कि प्रभु आखिर ये मेरी मति में ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है। राम जी कहते कि तेरा कसूर नहीं है, भूमि का दोष है। यहाँ शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्यों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम कभी न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कभी न मरे वरदान तो नहीं दिया जा सकता, ऐसे न मरे, वैसे न मरे, तैसे न मरे, टर्म्स एंड कंडीशंस रखो, लेकिन मरना तो भाई जरूर पड़ता है। उन दोनों भाइयों का आपस में बड़ा भारी प्रेम था। उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि हम भाई भाई एक दूसरे को मार के काट के खत्म कर दें तो मरे, न तो न मरे। दुष्ट के पास शक्ति आती है तो दूसरों को सताने में लगाता है, और श्रेष्ठ सज्जनों और संतों के पास धन सत्ता शक्ति आती है तो दूसरों की सेवा में लगाते हैं। उन दुष्टों ने दूसरों को सताने का कार्यक्रम किया। प्रजा त्राहिमाम पुकारी, लोग देवताओं को प्रार्थना करने लगे, और देवता देवादिदेव भगवान के चरणों में गए, और भगवान ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को भेजा कि इन दोनों का जरा सफाया करा के आओ। तिलोत्तमा खूबसूरत अप्सराएं तो होती हैं, बड़े पर तिरछी नजर डाली, मैं तो तुझे ही चाहती हूँ लेकिन तेरे भाई को जरा संभाल, वो मुझ मेरे तरफ नजर रखता है। भाई को बोला कि तू जवान, मैं तो तेरे लिए ही कुर्बान जाऊँ, ये बूढ़े के पीछे क्या जिंदगी गंवाऊंगी, तू ही सोच। उसको अपने ढंग से भिड़ाया, उसको अपने ढंग से भिड़ाया, दोनों भाइयों में राग द्वेष बढ़ गया और भाई भाई के खून लेवा हो गए। जिस धरती पर भाई खून लेवा होकर मरे उसी धरती पर लखन तेरा पैर पड़ा, इसलिए तेरी बुद्धि में मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने का भाव आया। राम जी के दर्शन कर रहा है, राम जी की सेवा कर रहा है, और लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं थे, ऐसे लक्ष्मण पर भी भूमि का कटु भूमिका कटु प्रभाव पड़ सकता है। तो अवंती का नगरी में सात्विक भूमिका सात्विक प्रभाव अभी पड़ता रहे तो इसमें क्या आश्चर्य है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कलकत्ता में, यहाँ के पहले कलकत्ता और बिलासपुर में कार्यक्रम था। 8 तारीख फरवरी कलकत्ता पूरा हुआ, फिर बिलासपुर हुआ, फिर यहाँ भोपाल में थोड़ा सा हुआ एक दिन का, फिर यहाँ आ गया। कलकत्ता में विदाई देते समय बहुत लोग खूब भावपूर्ण आशीर्वाद करते, बोले बापूजी एक बात तो हम बोलेंगे कि कलकत्ता का आदमी नरक में नहीं जाएगा, चाहे कथा में आए चाहे कथा में न आए, कलकत्ता में रहने वाला आदमी नरक में नहीं जा सकता है। और उसका कारण यह है कि यहाँ जीते जी नरक है, जब आदमी मर जाएगा तो भगवान ये सोचेगा कि नरक भोग के आए तो नरक में कैसे जाएगा। जयराम जी बोलना पड़े। तो अब उज्जैन में तो नरक नहीं है तो क्या उज्जैन वाला नरक में जाएगा? बोले उज्जैन में न स्वर्ग है न नरक है, उज्जैन में तो महाकाल की महिमा है, जो काल के चक्र से पार ले जाने वाली कथाएं सुनता है उसको न नरक है न स्वर्ग है, वो तो स्वस्वरूप में जाने के अधिकारी बन जाता है।
उन चार ब्राह्मण पुत्रों ने देवप्रिय प्रिय मेघा सुकृत और सुव्रत ने अपने यौवन को अपने संयम सदाचार को इतना उज्जवल किया कि इस नगर में आध्यात्मिक तेज के वाइब्रेशन फैल गए। इस धरती में ईश्वरीय भक्ति और तेजस्वी जीवन जीने का भाव हुआ। फिर सांदीपनी ऋषि और भगवान कृष्ण और औधव जैसे व्यक्तित्व, औधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। औधव 5 साल के थे, माँ बोलती कि बेटा कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो। औधव कहते कि माँ अभी तक मैंने पूजा पूर्ण नहीं की है। श्री कृष्ण की मूर्ति रखे पूजा करते थे। भगवान बृहस्पति से उन्होंने विद्या पाई और गोपियों से प्रेमा भक्ति पाई और भगवान श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान पाया है। और कहीं पर तो कृष्ण ने ये कहा कि औधव संयम में मेरा स्वरूप है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, संयम के और प्रेमा भक्ति के और तत्व ज्ञान के धनी व्यक्ति जिस धरती पर विचरण किए होंगे, जब शुंभ निशुंभ के क्रूर संस्कार लक्ष्मण को असर कर सकते हैं, तो कृष्ण के, औद्धव के, सांदीपनी के और वेद प्रिय ब्राह्मण के और उनके सुपुत्रों के और भी कई ब्राह्मण देवता, कई जति जोगी संत और हर 12 वर्ष में कुंभ के मेले में तो न जाने कौन सी छुपी हस्तियां आती होगी। इसलिए उज्जैन न स्वर्ग का अधिकारी है न नरक का अधिकारी है, उज्जैन का नागरिक तो आत्म सुख का अधिकारी मुझे लग रहा है। नारायण हरि बोलो न लाला, नारायण हरि नारायण। कल एक साधक आए थे, वो जैन थे। उसने कहा बापू मैं तो जैन हूँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने तो मेरे से मंत्र दीक्षा ली। तो कल वो जो बात कही थी किसी ने तो उस विषय में उनको हुआ होगा। लेकिन सब जैन भाई ऐसे नहीं होते हैं कि चलो अपने वालों को ही दो संकीर्णता में। जो संकीर्णता वालों के चक्कर में आते हैं उनका मन संकीर्ण हो जाता है और जो विशाल वालों के संग में आते हैं उनका मन विशाल हो जाता है। किसी जाति विशेष के लोग ऐसे ही है, ऐसा नहीं। उसमें भी कई रत्न होते और कई ऐसा भी होता है। ये तो सृष्टि है भाई। इस वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्र भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप की याद दिलाने वाले शिवलिंग की रचना करके पूजा किया करते। उन दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के असुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया और उस दुष्ट ने जब शक्ति पा ली तो इधर उधर लोगों को सताने लगा। सताते सताते जैसे औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का धुन लगी, सताने लग गया तो तुलसीदास को भी जेल में डाल दिया। काफर इनको, शिवजी है तो शिवजी का नंदी भी सच्चा है, घास खिला के दिखाओ नहीं तो जेल में डाल। नामदेव को पकड़ के जेल में डाल दिया। तू मुल्ला मौलवी को बोलने के गाय को जिंदी कर दे, नामदेव को पकड़ के हथकड़ियां लगा दी कि गाय जिंदी कर दे। दुष्ट के पास अगर सत्ता आती है तो अपनी दुष्टता का स्वभाव दिखाता, और सज्जन के पास सत्ता शक्ति आती है तो फिर कथा वार्ता सुनता है, सेवा का कार्य खोज लेगा। जय राम जी की। तो उस असुर ने उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दी। चारों तरफ अपने दैत्यों के द्वारा उज्जैन के नागरिकों को और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर। वो सताते सताते दावा बोलते बोलते जब ब्राह्मण जहाँ पूजा वूजा कर रहे थे वहाँ आया तो कई ब्राह्मण बेचारे घबरा रहे थे। तब शिव की पूजा में जो रथ वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके पुत्र, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम अपने को अनाथ मत मानो, जगत का नाथ जगत में विचर रहा है, तुम केवल अपना धैर्य रखकर उसकी पूजा में लगे रहो। ये असुर को जहाँ से सत्ता मिलती है उस सत्ता के मूल स्थान में तुम गोता मारो, सब ठीक हो जाएगा। यकीन बड़ी मदद करता है, दृढ़ निश्चय और एकाग्रता बड़े बड़े भारी विघ्न बाधाओं को हटाने में सक्षम है।
दूषण असुर नजदीक आया, इनको पकड़ो मारो बंदी बना लो। ब्राह्मण घबराए, उन्होंने प्रिय मेघा ने, सुकृत ने, वेद प्रिय ने उनको सांत्वना देते शिव जी की प्रार्थना की। और भक्त वत्सल भगवान वहां जहां शिव पूजा हो रही थी वहां एक भयानक शब्द हुआ, खड्डा हो गया और भयानक शब्द हुआ और शिव जी प्रकट हुए, ऐसी कथा आती है, तुम लोगों ने सुनी भी होगी। और शिव जी ने भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का दमन किया, उनकी सारी सेना कहीं के कहीं चली गई। ब्राह्मणों ने भगवान आशुतोष का, भगवान शंभ सदाशिव का भावभीना पूजन किया, प्रार्थना की कि प्रभु आप यहीं विराज हैं। शिव जी ने तथास्तु कहा और शिव ओज शिव तत्व जिस जगह पर स्वाभाविक आनंद और कल्याणमय वाइब्रेशन है उसी जगह को आज महाकाल करके हम लोग पूजते हैं, नमन करते हैं। महाकाल भगवान की जय। लेकिन कल शिवरात्रि और महाकाल भगवान के दर्शन करने तुम जाओ और दर्शन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लाइन लगेगी लंबी लंबी जय राम जी की। तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करना चाहिए कि शिव गीता में शिव जी ने पार्वती को कहा, पार्वती ने पूछा कि कलयुग में जीवों के उद्धार का उपाय, बोले जीवों को शिव तत्व का ज्ञान देने वाले गुरुओं का सानिध्य लेना चाहिए। बोले गुरु तो बहुत सारे हैं, किसको गुरु करे, कैसे गुरु करे? तो भगवान शिव जी कहते तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम उपदेशंति तु पार्वती कारण आख्यो गुरु प्रोक्तो भव रोग निवारक। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले, संसार रोग का निवारण करने वाले गुरुओं को कारण आख्य गुरु कहते हैं। सर्व संदेह निर्मूलम, सर्व संदेह संदोह निर्मूलम विचक्षण जन्म मृत्यु भय विघ्नो यह स गुरु परमो मतः। सर्व प्रकार के संदेहों को जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भाव के रोग का विनाश करने में जो समर्थ हैं, ऐसे गुरु सतगुरु कहलाते हैं। फिर मारण वशीकरण मोहन का जो मंत्र देते हैं उनको हे पार्वती निषिद्ध गुरु कहा जाता है। ऐसे निषिद्ध गुरु से साधक को बचना चाहिए। जलानाम सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरुनाम तत्रिव सर्वेशाम राजायाम परमो गुरु। जैसे जलाशयों में समुद्र राजा है, ऐसे ही जिसने सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा शिव में विश्रांति पाई है और हमको विश्रांति पवाने की कला सिखा सकते हैं, ऐसे गुरु परम गुरु है। सूचक गुरु जो शब्दों का ज्ञान देते हैं, बोधक गुरु और कुल परंपरा से जो पंचाक्षरी मंत्र देते हैं, ये सब गुरु अच्छे हैं, लेकिन परम गुरु तो परब्रह्म परमात्मा का सुख जगाने में सक्षम है। भगवान शिव के बाह्य स्वरूप का थोड़ा सा विचार करें। शिव के गले में सांप है, हाथों में सांप है, अर्थात तुम अपने आत्म शिव में विश्रांति पाओ तो तुम्हारे हाथों में संसार रूपी सर्पों, चाहे गले में संसार रूपी जिम्मेदारी के सर्पों, फिर भी आपको उन जिम्मेदारियों के डंक नहीं लगेंगे, अपितु वे कार्य आपके गहनों की तरह शोभनीय हो जाएंगे। ये शिव जी के बाह्य विग्रह का अर्थ लगाना चाहिए। शिव जी को कैलाश में बताया, अर्थात ज्ञान का ऊंचा शिखर धवल शिखर होता है, अज्ञान अंधकार नीचे के केंद्र में होता है। काम आएगा तो मूलाधार केंद्र में आएगा, क्रोध आएगा तो मूलाधार केंद्र में होगा, भय होगा तो मूलाधार केंद्र में मन प्राण होगा उस समय होगा। अगर मन प्राण ऊंचे शिखरों पर है तो काम नहीं टिक सकता है। काम ने बाण मारा और शिवजी ने निगाह मात्र डाली, काम जलकर भस्म हो गया। अर्थात कितना भी काम विकार जीवन में आए, नीचे के केंद्र में आप तुरंत यहां चले आओ, काम जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, अर्थात काम विकार तुमको साधन काल में नहीं गिराएगा।
शिव जी के यहां विषम स्वभाव वाले प्राणी भी मजे से जीते हैं, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप वृत्ति के प्रभाव में है। मां पार्वती का वाहन है शेर अंबा का, और शिव जी का है बैल नंदी। नंदी और शेर एक ही मुलाकात में सफाया होना चाहिए नंदी का, लेकिन वहां वैर भाव नहीं। गणपति का वहीकल है मूसक, और कार्तिक का वहीकल है वहीकल समझे सवारी मोर। मोर और मूसक, सांप और मोर, ये फिर भी समता की दृष्टि का ज्ञान देने के लिए विषम प्राणी भगवान शिव के यहां रहते हैं। आपके जीवन में भी विषम प्रसंग आएंगे, और आपके घर में भी विषम स्वभाव के व्यक्ति हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं। आप उन विषम स्वभाव के व्यक्तियों को मार भगाना या मिटाना, इस झंझट में मत पड़ना, शिव जी को याद करना। एक बार तो शिव जी के यहां रहने वाली जोगनियां शिव जी समाधि में थे, पार्वती को उठाकर ले गई और पार्वती को काट पीट के उसका पुलाव बनाकर भोग लगाने लग गई। एक कटोरा भर के शिव जी के लिए रख दिया, ऐसा कथा योग वशिष्ठ में आता है। भगवान चंद्रशेखर जब समाधि से उतरे और कटोरा भर के जो पुलाव भोग लगाने के लिए धरा, तो अंतर्यामी शिव जान गए। जरा सा कड़ी नजर की तो वो जोगिनियां घबराई। फिर जिस जिस जोगिनी ने पुलाव में जो जो अंग हड़प किया था, वो अपने जोग बल से वो अंग निकाला। किसी ने नासिका निकाली पार्वती की, तो किसी ने कान निकाला, किसी ने उंगली निकाली, तो किसी ने अंगूठा निकाला, और सारे जोड़ बोड़ के और पार्वती जी को नए सिरे से शिव जी के साथ विवाह करा दिया, और शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। सर्जरी की कितनी ऊंची कल्पना है जयराम जी की। विदेश में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में लोग, कुछ लोग अंटसंट प्रश्न तो हो ही जाते हैं कहीं, कि ऐसा तो क्या तुम्हारे यहाँ का भगवान जिसको हाथी का सिर, ऐसा गणपति भगवान? अरे गणपति भगवान हाथी का सिर, ये तो जरा समझो कि सर्जरी की कितनी दिव्य कल्पना है। पार्वती ने योग बल से बालक बनाया, और माता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन करना भारत के बच्चे की कितनी दृढ़ता है। शिवजी का परिचय नहीं था और आ गए तो शिवजी को रोका, और शिवजी ने त्रिशूल से उनका सिर हटा दिया। ऐसी कथा आती है, आपने हमने सुनी। अब जब वस्तु स्थिति का पता चला पार्वती को से बातचीत करने में, तो शिवजी ने गणों को कहा कि जो प्राणी है उसका सिर ले आओ। हाथी था, उसका सिर लाकर बालक पर रख दिया, गणपति नाम रख दिया। तुम तो किडनी बदलते हो और ये कुछ करते हो, सर्जरी करते हो, जरा नाक का दो भूंगड़ों की सर्जरी करते तो फूले नहीं समाते हो। हमारे शिवजी ने तो कितनी हजारों वर्ष पहले ऊंची सर्जरी का परिचय दे दिया कि इससे भी और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है तुमको। गणपति तात्विक दृष्टि से देखा जाए कि जो गणों का, कुछ व्यक्तियों का गण का अग्रगण्य हो उसको गणपति बोलते। गणानाम पति थी गणपति ही, तो पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, चतुष्ट अंतःकरण, उन सब का संचालन करने वाला और सबको सत्ता स्फूर्ति और कंट्रोल में रखने वाला, वो गणपति भगवान की प्रथम पूजा होती है। तो समाज में भी इस गणपति के श्री विग्रह से ये सीखना है कि आप अगर अपने इलाके के, अपने घर के, कुटुंब के गणपति हैं, अग्रगण्य हैं, तो आपके कान गणपति जैसे होने चाहिए। जैसे गणपति के कान बड़े हैं सुपड़े जैसे, सुपड़े में अच्छा अच्छा धान रह जाता है और कचरा कचरा निकल जाता है। ऐसे आप सुनो तो सबकी, लेकिन सार सार हो रखो और बाकी की सब छोड़ दो, तो आप गणपति होने में सफल हो जाओगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा भांजो। हाथी की सूंड लंबी, अर्थात जो कुटुंब का या समाज का अगवा हो उसको दूर दूर की गंध आनी चाहिए कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, खबर सब रखना चाहिए। एमपी लोग के लिए बहुत बढ़िया है गणपति का विग्रह। जय राम जी की। हाथी के शरीर की अपेक्षा उनकी आंखें बहुत छोटी, लेकिन जरा सा रेती रेती में सुई तक को वो गण हाथी देखने में सक्षम है। ऐसे ही जो कुटुंब के अगवे हैं उनकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए।
गणपति का वाहन है मूसक चूहा, ये कैसे? ये तो बाबा संभव नहीं, कितना मोटा हैवी ड्यूटी उनका बॉडी और जरा सा मूसक रैट, वो कैसे? वो केवल विग्रह को बताकर मनुष्य को उपदेश देने के लिए है। इतने बड़े गणपति हैं फिर भी छोटे से छोटे शूद्र से क्षुद्र प्राणी को भी अपने काम में लगाए रखते हैं। और चूहा जिस किसी के घर में और जहां तहां बिल में घुस जाता है, ऐसे एकदम तुच्छ और साधारण आदमी से भी जहां तहां की गंध ले लेना चाहिए, जहां तहां अपने आदमी का प्रवेश हो जाए उसी का है नेतागिरी, राजा पना अथवा कुटुंब को संभालने वाला जो अग्रगण्य पना है शोभता है। गणपति के हाथ में एक मोदक भी है और दूसरे हाथ में डंडा भी है। जो प्रेम से सदाचार से स्नेह से चलते हैं उनके लिए तो वो मधुर प्रिय गणपति मोदक दिखाते, लेकिन जो वक्र दृष्टि के निर्दोष भक्तों की मजाक उड़ाते रहते हैं उन लोगों के लिए गणपति वक्रतुंडम धीमहि है। अर्थात कुटुंब का समाज का अगवा भी थोड़ा एक तरफ तो मीठा रखे और साथ साथ में इतना मीठा ना हो कि लोग बुद्धू समझ के दबोच के खा जाएं, तो एक डंडा भी मजबूत रखे कि दुष्टों दूर से ही किनारे लगते जाएं। जय राम जी बोलना पड़ेगा, क्या करे भगवान की मर्जी है। ओ मोहम्मद गजनवी आया, क्या करे भगवान की मर्जी है। रे भगवान की मर्जी क्या है? भगवान की मर्जी है कि तू अपने और अपने पड़ोसियों के शील सदाचार की रक्षा करने के लिए तेरे साथ तेरे पास सुख के साधन भी हो, तो सुख के साधनों की रक्षा करने का सामर्थ्य भी हो। अहमदाबाद में काकरिया है ना, एक युवक शादी करके इतवार के दिन अपनी दुल्हन को काकरिया पे घूमने को ले आया। उस युवक ने, संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया, फिर भी बांकड़े पे बैठे रहे, तो कुछ लुफंगे एक दो ने आकर उसकी नवविवाहिता दुल्हन के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की, तो दुल्हा चिल्लाया कि बचाओ 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 बचाओ। तो बचाने वाला आदमी गया, दुल्हा का कान पकड़ के एक थप्पड़ ठोक दिया, बोले ये मेरी औरत है, मैं तो बचाओ बचाओ कह रहा हूँ और तुम मेरे को ठोकते हो। बोले जब तुझे इस औरत की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं था तो कांकरिया पर इसको प्रदर्शन करने के लिए क्यों ले आया? उनको तो हम ठीक करेंगे, लेकिन इसकी रक्षा करने का तेरे में बल नहीं था तो यहाँ क्यों बैठा सूर्यास्त के बाद? तो गणपति के श्री विग्रह से ये समझना चाहिए कि आपको अपने गणों के लोगों की सेवा रक्षा करने का भी बल होना चाहिए, माधुर्य भी होना चाहिए, तो दंड नीति भी होना चाहिए, मधुर दृष्टि भी होना चाहिए, लेकिन दुष्टों के आगे वक्र दृष्टि भी होना चाहिए। तो ये जो बहुआयामी हमारा मन है, बोले बाबा जी तुम्हारे यहाँ इतने सारे भगवान क्यों? भगवान गणपति, भगवान शिव, भगवान राम, जगदम्बा, फिर झूले लाल, फिर कृष्ण, फिर ये इतने सारे क्यों? मैं क्या, हमारा मन बहुआयामी, रोज सब्जी रोटी खाकर हम जी सकते हैं, लेकिन कभी खिचड़ी कढ़ी खाते तो कभी दाल चावल खाते हैं, कभी मालपुआ खीर खाते हैं, तो कभी मूंग मटर की सब्जी खाते, तो कभी पांच सब्जियों का मिश्रण करके खाते हैं। वैरायटी प्रिय हमारा मन है। दो गज कपड़ा खरीदना है तभी भी चार ताके देखकर फिर दो मीटर कपड़ा लेते हैं। तो हमारा मन बहुआयामी है। जिस मजहब में, जिस मत पंथ में बहुत प्रकार की पूजा उपासना नहीं है, वो वैरायटी जगत में दरिद्र है। हम वैरायटी जगत में शहंशाह हैं। हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता और पर्व और वैरायटी जगत की साधना है। इसी कारण भारत देश में अभी भी लाखों लोग धर्म का आनंद लेते हैं, माधुर्य लेते हैं। मुझे एक मुख्यमंत्री ने सुनाया, शायद सुनाया, यहां भी सुनाया था उस मुख्यमंत्री ने अगली शिवरात्रि पर, कि मेरा भाई परदेश में था, डॉक्टर है, पटवा ने सुनाया था ना, सुनाया था। तो मैंने उसको कहा चलो यहाँ आओ, तो बोलता है उधर मेरा धंधा नहीं चलेगा। तो अमेरिका में उसका धंधा चलता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ, वहां लोग पागल बनते ज्यादा, और यहाँ साधु संत कीर्तन भजन करा के आराम की नींद करा देते हैं और चैन से लोग जी लेते हैं, इसलिए यहाँ धंधा नहीं चलता इतना।
यहाँ इतने लोग पागल नहीं होते, जितनी संख्या है उसके मुताबिक इतने लोग अशांत और पागल नहीं होते। वो अगर श्रेय है तो साधु संत और भगवान की भक्ति की विशेषता है। बोले फिर भगवान तो सारी दुनिया का, भगवान तो एक है, तो भगवान सब एक है, तो फिर अमेरिका में भगवान का अवतार क्यों नहीं होता, तुम्हारे यहाँ क्यों होता है? मैंने कहा कि भाई देखो, सृष्टि के आदि में जल ही जल था, उसमें से जो पहले निकला वो कैलाश, और भगवान कैलाशपति ने केवल लोक व्यवहार में दक्ष न हो, परमार्थ में भी आगे बढ़े, गोरखनाथ आदि योगियों को शिव जी ने धर्म के प्रचार की रीत विधि भी बताई। ये जो हमारा योग आसन का पुस्तक है, अपेंडिक्स के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, 3 मिनट पाद पश्चिमोत्तान आसन थोड़े दिन करो, अपेंडिक्स मिट जाएगा। अमुक अमुक रोग कितने सारे भयानक कहे जाते हैं, वो इन आसनों से मिट जाता है। तो इन आसनों का, कुछ आसनों का प्रचार शिव जी ने गोरखनाथ के थ्रू करवाया, और भगवान शिव ब्रह्म विद्या के आदि प्रवर्तक रहे। इसलिए वहाँ धरती निकली ना, पूरी धरती तो पहले कैलाश निकला, और कैलाशपति की प्रेरणा से धर्म का, ज्ञान का, आध्यात्मिक रस का प्रचार हुआ। जहाँ प्रचार हुआ वहाँ भक्त हुए, जहाँ बरसात पड़ती है वहाँ हरियाली होती, और जहाँ हरियाली होती तो बादल वहाँ क्यों जाते बाबा, कि ये नियम है। ऐसे ही जहाँ भक्त होते वहाँ भगवान प्रकट होते, और जहाँ भगवान प्रकट होते रहते वहाँ भक्त होते रहते हैं। फिर पत्रकारों को और मीडिया वालों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि सीधा सवाल ना पूछे, जरा टेढ़ा पूछना चाहिए। जब सत्संग हुआ तो बहुत लोगों ने सुना, तो कई पत्रकार और कई टीवी वाले चैनलें वहाँ बहुत चलती है, उन्होंने सवाल किया कि माइयाँ जब सत्संग सुनती है फिर भी सासू बहू आपस में क्यों लड़ती है महाराज, टेढ़ा सवाल पूछा। सत्संग सुनती है फिर भी सासू बहू आपस में लड़ती है, ऐसा क्यों? सही बात तो यह कि जो लड़ती झगड़ती वो सत्संग में आती, तो मैंने कि 20 लड़ाई में से फिर 15 हो जाती, 15 वाली 12, 12 वाली 10, 8, 5, फिर मैंने 2 महीने लड़ेगी, लेकिन उतना पावर से नहीं लड़ेगी सत्संग सुनने के बाद, समय बीतते बीतते स्वभाव बदलेगा। लेकिन उन्होंने पूछा चरपरा सवाल, तो मेरा कर्तव्य है उनको जवाब भी चमाचम देना चरपरा। मैंने कहा जिस देश में सत्संग नहीं सुनती उस देश में सासू बहू कम वक्त साथ में ही नहीं रहती, हमारे यहाँ साथ में तो रहती है भाई। नारायण हरि, नारायण हरि। ज्ञान का इतिहास सहयोग का इतिहास है। हर मनुष्य दूसरे के कंधे पर खड़ा होकर देखता है। हमारे दादा गुरु के कंधे पर हमारे गुरुजी, और हमारे गुरुजी के कंधे पर हम चढ़कर देखते तो दूर का देखता है। पिता के कंधे पर बैठा बेटा है, और दादा के कंधे पे पिता बैठा था। ज्ञान का इतिहास सहयोग का इतिहास है। ज्ञान का इतिहास अखंड परंपरा का इतिहास है। यूरोप में गर्व करते हैं किसी का शिष्य होने का। सुकरात का शिष्य होने का प्लेटो गर्व करता है, और प्लेटो का शिष्य होने का अरस्तु गर्व करता है, और अरस्तु का शिष्य होने का इमर्सन शोपनहार गर्व करते, मार्क्स का शिष्य होने का लेलिन गर्व करता है, ऐसे समर्थ रामदास का शिष्य होने का शिवाजी महाराज गर्व करते हैं, रामकृष्ण का शिष्य होने का विवेकानंद गर्व करते हैं, करते कि नहीं करते? और भगवान रामचंद्र जी भी अपने को निगुरा नहीं पाते, वशिष्ठ गुरु के यहाँ मत्था टेकते तो तुम्हारा कृष्ण भी सांदीपनी गुरु के यहाँ मत्था टेकते हैं। ये ज्ञान का अखंड परंपरा का इतिहास है, ये सहयोग का इतिहास है। तो भगवान शिव से पार्वती ने पूछा कि ऐसे ज्ञानी गुरु को कैसे पहचाने? तो शिव जी ने कहा कि ये शब्दों का ज्ञान देने वाले, कुल परंपरा से कान फूक के मंत्र देने वाले, इस प्रकार के तो बहुत गुरु हैं। एवं बहुविधा लोके गुरुवा संति पार्वती, तेषु सर्व प्रयत्न न सेव्यो ही परमो गुरु हु। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु ही सेवन करने योग्य है, जिसको परब्रह्म परमात्मा अपने आत्म रूप में प्राप्त हुआ है।
तुलसीदास ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होइ। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य हो, शिव जी जैसा परलय करने का सामर्थ्य हो, फिर भी सतगुरु के उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बिना ये संसार सागर से आदमी नहीं तरता। ते सभाग्या मनुषेषु, ते सभाग्या कृतार्था नृपनिश्चया, कृतार्था नृपनिश्चया, सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति, हरे नामे कलियुगे, हरे नामे कलियुगे। वे धन भागी हैं जो कल युग में हरि नाम सुमरण करते हैं, औरों को करवाते हैं। कबीर जी से कुछ पंडितों ने पूछा कि हम तो वेद रट रट कर बुढ़े हो गए, हम जब प्रवचन करते हैं तो 100 आदमी बैठते हैं, उसमें से 5-10 उठते हैं, 10 आते हैं, 2 उठते, 1 आता है, 5 उठते, 3 आते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ लोग बैठते तो बैठ ही जाते और इतनी तहदात में आखिर तुम्हारे पास क्या है। कबीर ने कहा कि मेरे पास गुरुदेव का अमृत है, रामानंद प्रभु का। तुम तो कागज लिखी कहते हो लेकिन मैं नैना देखी कह रहा हूं। तुम्हारे पास होद का टंके का पानी और मेरे पास सीधा कुएं का पानी। मैं अनुभव को छूकर फिर बोलता हूं और तुम रटा रटाया बोलते हो, इतना फर्क है। जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है उस प्रकार अपने शिव तत्व में प्राणी विश्रांति पाता है तो उसके चित्त के और मति के दोष निवृत्त हो जाते हैं। अब आपकी कथा आ रही है, आप प्रयत्न करिएगा। सुबह नींद में से उठे तो 2-4 मिनट आप शांत हो जाए, कुछ ना करें, एकदम शांत कुछ ना करें। जो जो आप कुछ न करने की घड़ियां अधिक बिताने लगेंगे, आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, कुछ ना करें, जो जो चित्त शांत होता जाएगा त्यों त्यों आवश्यक सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। बहुत जरूरी बात है, काम की बात है। जो जो चित्त शांत होता जाएगा त्यों त्यों दोष निवृत्त होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं और ज्ञान लेने आ रहे, ज्ञान तो सबके पास है। जयराम जी की, ये करना अनुचित है और ये करना अच्छा है आप जानते हैं। दुखी होना बुरा है, सुखी होना अच्छा है, ये कौन नहीं जानता है। शांत होना अच्छा है, अशांत होना बुरा है, ये कौन नहीं जानता है। सत्य बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी झूठ ठोकम ठोक कर रहे कि नहीं कर रहे। कपट करना बुरा है, सच्चाई से जीना अच्छा है, ये तो सब ज्ञान तो है। लेकिन जब मन सुख के पक्ष में हो जाता है तो फिर ये सत्य किनारे रहो और झूठ बोलने से मजा आता है तो करो मजा। मन मजा के लिए आपको सजा के रास्ते ले जाता है। अगर मजा मन को अंतर आत्मा से आने लग गई तो बाहर की विकारी मजाओं का आकर्षण घट जाएगा। आपका ज्ञान आपके व्यवहार में अमल में आएगा और आपका व्यक्तित्व जो अभी है सेठ साहूकार फलाना फलाना, उसका उस व्यक्तित्व का आप पोल जान जाएंगे, आपका असली व्यक्तित्व प्रकट होने लगेगा। जब आपका असली स्वरूप का आपको एहसास होने लगेगा तो नकली स्वरूप के लिए जो कावे दावे सुकड़ में वो करते, वो सारी की सारी परेशानियां कम हो जाएगी। नानक बोले सहज स्वभाव, आपका जीवन सहज स्वभाव हो जाएगा और वो सहज स्वभाव वाला जीवन आपके लिए सुखदायी होगा। और आपका पूजा भी, आजकल तो पूजा भी करते नहीं तो मानो कोई डंडा लेके पीछे पड़ा है। मंदिर में भी जाते तो न जाने कैसे कैसे दर्शन करते। मंदिर में गए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहला चरण बोला, दूसरा चरण बोलते बोलते उधर नजर जाती, कहीं जूता बूता तो कोई नहीं ले गया। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बंधु और सखा जूता जूती है। फिर ठाकुर जी के तरफ नजर लग, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव,
फिर इधर देखते बच्चे कच्चे हैं कि दर्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, पत्नी क्या कर रहे। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, बजा लो निकालो अपना स्टॉप। नारायण हरि नारायण हरि। एक पंडित जी और दूसरे मुल्ला जी आपस में दिल लगी क्या करते थे, दोस्त थे पड़ोस में रहते थे। मुल्ला पंडित के पीछे आदू खा के पड़ गया कि बताओ पंडित जी कब आते मेरे घर। पंडित जी कट्टर थे, साफ सुथरे पवित्र आहार करने में मानते थे, और मुल्ला जी उनका सिर खपा गया कि पंडित जी बताओ मेरी औरत मुर्गी बहुत बढ़िया बनाती है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, एक बार मेरे घर की बनी हुई मुर्गी खा के देखो। बोले हाँ वो एक दिन आ जाएंगे, कोई दिन आ जाएगा। एक दिन मुल्ला ने कहा कि बताओ कब आते हो। पंडित जी ने कहा मैं जिस दिन तेरा बेटा करीम जनेऊ पहरेगा उसी दिन तेरे घर आ जाऊंगा। बेटा करीम जनेऊ पहरने वाला है नहीं, हिंदू बनने वाला नहीं, और मुझे तेरे यहाँ आने का कोई नौबत ही नहीं आएगी। नारायण हरि, तुम बोलो ना कंजूसी ना कर। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। येषां त्वंतगतं पापं, येषां त्वंतगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता, ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढ़व्रता, भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके पापों का अंत हो गया और जिनके पुण्य कर्म उदय हो गए वे मुझे दृढ़ता से भजते हैं। अदृढ़ता से भजन करने में वो रस व आनंद व सामर्थ्य व माधुर्य नहीं आता। जब तक हमारे पुण्य जोर नहीं करते तब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको भजन करके हमारा असली खजाना असली सामर्थ्य पाना चाहिए। मनुष्य जीवन का फल धन मनुष्य जीवन का फल नहीं है, सत्ता मनुष्य जीवन का फल नहीं है, सौंदर्य मनुष्य जीवन का फल नहीं है महाराज, अष्ट सिद्धि नव निधि मनुष्य जीवन का फल नहीं है। मनुष्य जीवन का फल तो है मुक्ति, परमात्मा का साक्षात्कार, ये मनुष्य जीवन का फल है। इस मनुष्य जीवन की महत्ता न समझने वाले कई लोग धरती पे आए, बड़े बड़े तिशमार खाना आए और न जाने क्या क्या किया सुखी होने के लिए, अंत में वे बड़े बुरी तरह दुखी हो गए, बुरी तरह हार गए। इटाली का सम्राट मुसोलिन एक बार भारत के विद्वान शब्द ब्रह्म की महिमा जानने वाला ओमकारनाथ इटाली गए। मुसोलिन ने उनको भोज दिया और भोजन करते करते मुसोलिन ने पूछा ओमकारनाथ से कि ऐसा तो क्या है तुम्हारे कृष्ण में कि वो बंसी बजाता और लोग घर का काम छोड़ के उसके पीछे पीछे जाते, वो गाय चराने वाले के पीछे, क्या इंडियन लोग। अब मुसोलिन ने दबक तो दिया लेकिन ऐसे विद्वान के आगे बोला कि जो शब्द ब्रह्म की महिमा जानते थे। ओमकारनाथ कोई साधारण आदमी नहीं थे। एक बार लाहौर अजायब घर में गए, चिड़ियाघर में, वहां शेरों को खुराक नहीं मिला था तो शेर बुरी तरह दहाड़ रहे थे। उन्होंने गीत गांधार गाया तो शेर का धाड़ना शांत हो गया, फिर गीत काफी गाया तो शेर प्रसन्नता से पूंछ हिलाने लगे। ऐसा वो शब्द की महिमा जानने वाला ओमकारनाथ से प्रश्न पूछता है कि ये सब क्या है, बंसी बजाई और लोग घर का काम छोड़ के चले गए, ये तो क्या है सब, आदमी को अपना रखना चाहिए। हम ओमकारनाथ ने देखा कि उपदेश से समझेगा नहीं आदमी, इसको जरा प्रैक्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा। टेबल कुर्सी पर भिन्न भिन्न वेराइटियाँ खा रहे थे, कुछ कांटेदार चमचे थे तो कुछ सादे चमचे थे, कुछ रकाबियाँ थी तो कुछ कप थे तो कुछ कुछ प्लेटें थी कुछ था। भोजन करते करते वो कांटे जूठे चम्मच लेकर रकाबियों पर तालबद्ध वो बजाने लगे। धीरे धीरे ताल का ऐसा मुसोलिन पर असर पड़ा कि मुसोलिन थोड़ा थोड़ा डोलने लगा। चाहे मुसोलिन हो चाहे आप हो, अभी हम करेंगे आप भी डोलेंगे।
और डोलने लगा। सांस बढ़ता गया, उसका डोलना बढ़ता गया, वो सांस और बढ़ाते गए, डोलना बढ़ता गया। नौबत ये आई कि वो एक ग्रास मुंह में डालने के काबिल नहीं रहा। मुसोले ने कहा अब ये बंद करो। बोले तुम, मैं तो तुमको रोकता नहीं, तुम खाओ। बोले नहीं, सांस बज रहा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। बोले जब झूठे कांटे और चम्मच और रकाबियों को बजाने से तुम झूम रहे हो, तो जो आत्मा में गोता मार कर निगाहों से कृपा बरसाते हुए बंसी बजाता होगा, तो उसका नहीं हा के प्रेम में निर्दोष लोग झूमे तो क्या बड़ी बात। ओमकारनाथ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का संग मिलने के बाद भी उस निगुरे को कुछ समझ में नहीं आया। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया और बुरी तरह इटाली का सम्राट परास्त हो गया। उसके पास लाखों रुपए थे ऐसी बात नहीं, करोड़ों थे ऐसी बात नहीं, अरबों थे ऐसी बात नहीं, खरबों खरबों की संपत्ति विदेशी करेंसी उसके पास थी और अरबों खरबों के उसके पास जवाहरात थे। पत्नी भी थी, न जाने क्या क्या भोग की सामग्री थी, फिर भी भीतर से वो खोखला था। उस खोखलापन को मिटाने के लिए उसने स्विट्जरलैंड की एक युवती को पाल रखा था, प्रेयसी लवरी बना रखी थी। इसकी उसकी यहाँ की वहाँ की हड्डी मांस चाटकर मजा लेने की आदत से तो वे लोग धनभागी हैं जो मक्खन मिश्री ठाकुर को अर्पण करके फिर प्रसाद में खाकर मजा लेते, वो अच्छे हैं। बुरी तरह जब हार गया तो अब वहां से भाग निकलने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वो अरबों खरबों की संपत्ति एक बड़ी ट्रक में डालकर रातों रात अपनी प्रेसी को लेकर इटाली से स्विट्जरलैंड के तरफ जा रहा था। रास्ते में झील के किनारे पकड़ा गया, धाड़ धाड़ बोल गोजलियों का शिकार हुआ, लाश बन गई। उसकी लाश को और उसकी प्रेसी के लाश को फिर इटाली में घुमाया गया, जूतों से उसका स्वागत किया गया, जूतों के हारों से। प्राणबल वाला था, मनोबल वाला था, लेकिन भगवान के उस व्यवहार में कुशल था, दक्ष था, लेकिन शिव तत्व में वो अदक्ष था, बुरी तरह मरा। इतना ही नहीं, वो संपत्ति कहां गई, ये सवाल उठता है। आज 54 वर्ष हो गए। झील के किनारे जो ट्रक थी, उस ट्रक का ड्राइवर का शव मिला, ट्रक मिली, लेकिन वो संपत्ति के रखवाले जो पुलिस अफसर रखे गए थे, क्या वो संपत्ति ले भागे, नहीं, उनकी तो लाशें मिली। दूसरी जांच कमीशन के बड़े बड़े अमलदार रखे, उनकी भी लाशें, कोई अपने आप सुसाइड कर देता है तो कोई बाथरूम में अपना सिर काट देता है, कोई गले में छुरी भोंक देता है तो कोई पागल हो जाता है। ऐसा करते करते 75 आदमी का जीव लिया उस प्रेत ने, विल पावर वाला था। और आज 54 वर्ष हुए, एक रुपये का भी माल अभी तक कोई सरकार जाँचने में सफल नहीं हुई। उस झील के किनारे न जाने कैसी खाई में उसने वो प्रेत ने धन छुपा रखाया और खुद भी परेशान है, औरों के लिए भी परेशानी। जीते जी खुद परेशानी मोल लेते और मरने के बाद भी ऐसे लोग परेशानी मोल लेते, समाज को भी दुखी करते और अपने को भी दुखी करते। अगर ऐसे व्यक्ति को बचपन में कोई सत्संग मिल जाता, शिव पूजा मिल जाती और पापों का अंत करने वाला ज्ञान और भागवत कथा मिल जाती, तो प्राण बल वाला मनोबल वाला व्यक्ति अगर ईश्वर के रास्ते चले तो उसमें भी सफल हो जाता। इब्राहिम लिंकन साधारण आदमी नहीं था, बड़ा पुरुषार्थी लड़का था। गरीबी हालत में भी वो पैरों को टाट के टुकड़े बांधकर मीलों की यात्रा करके स्कूल में जाता था, उधारी किताब लेकर पढ़ता था, मीलों पैदल जाकर किताब ले आता था मित्रों से, वो पढ़ता था। ऐसी गरीबी में से उभरता उभरता LLB किया। सच्चाई के कारण वकीलात में झूठ नहीं बोलूंगा, उस कारण वकीलात में जमा नहीं। फिर पार्टनरशिप किया, पार्टनर ने धोखा दिया, फिर चुनाव लड़ा, 1832 में हार गया। चुनाव की बात आ गई, नेता ध्यान से सुनो, 1836 में चुनाव लड़ा, हार गया। फिर द्विवर्ष कोई बीच का चुनाव को लड़ा, उसमें हार गया। फिर चुनाव लड़ा, हार गया। फिर उसकी कमर तोड़ने वाला एक दुख आया, उसकी पत्नी मर गई, फिर भी वो जूझता रहा। आखिर ऐसी नौबत पे आ खड़ा रहा कि उसको नसों का रोग हो गया, वीकनेस, कमजोरी हो गई नसों की। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, इतना हिम्मत वाला, प्राण बल वाला था। आखिर जूझते जूझते 1855 और 1860 में
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन हो गया। फिर भी अंदर का सुख न मिलने के कारण चलचित्रों का सुख लेने के लिए फिल्म देखने गए और वहां उनको गोली लगी। अभी वो व्हाइट हाउस में भूत होकर भटक रहा है। ऐसा प्राण बल वाला, मनोबल वाला, संयमी व्यक्ति, ऐसा पुरुषार्थी व्यक्ति, अगर उसको सत्संग और साधन भजन मिलता तो ईसा मूसा की नहीं, कृष्ण और राम की नहीं, पूजा जाने की भी तो योग्यता उसमें छुपी थी। सुमति कुमति सबके उर रहे वेद पुराण निगम अस कहें। धरती पर आप बीज बोते हैं मिर्च का तो वहां से तिखास आती है, और पास में ही आप गन्ना बोते तो मिठास आती है। मिठास और तिखास दोनों छुपी है। अच्छाइयां बुराइयां हमारे अंतकरण में दोनों छुपी है। सत्संग के द्वारा अच्छाइयां विकसित हो जाती है, बुराई का हिस्सा साफ हो जाता है और मनुष्य देवता बन जाता है। अगर सत्संग नहीं मिला तो कुसंग के द्वारा बुराइयां बढ़ जाती है और मानव दानव बन जाता है। जो लोग दूसरों को सत्संग दिलाते देते दिलाने में भागीदार होते हैं वे मानव जात की बड़ी तगड़ी सेवा करते हैं। 8 प्रकार का दान माना गया। सुवर्ण दान, कन्या दान, गौ दान, गौ रस दान, विद्या दान, अन्न दान, इन सब में अभय दान ऊंचा माना गया है। कन्या दान करने के बाद जमाई राज शराबी हो सकता है, सुवर्ण दान करने के बाद कोई अट्ठे से दो और पंजे से छक्का लगा सकता है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग का दान करवा दिया तो महाराज जुआरी की जुआ छूटती है, पापी का पाप छूटता है, अशांत की अशांति छूटती है, अहंकारी का अहंकार छूटता है, दुखी के दुख छूटते हैं, अभक्त भक्त बनने लग जाता है, रोगी निरोग होने लगता है, कायर में हिम्मत आने लगती है और महाराज हिम्मत वाले का हिम्मत में संयम आकर सदाचार बनने लग जाता, उसका जीवन सदाचारी होने लगता है। जो सत्संग देता दिलाता है उसमें भागीदार होता है, वो मानव जात की बहुत बड़ी भारी सेवा करता है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो महाराज भगवान की कृपा होती तो संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, और संत की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं, और दोनों की कृपा होती है तब अपना आत्मा का ज्ञान हो जाता है और जीव ब्रह्म रूप में प्रकट हो जाता है।